ये मेरी बेटी ने किसको अपना पोतो अटैक किया और ये त्याग क्या हुआ? इसको तो मेरे को नहीं सिखाया ये। इसलिए ना सोशल मीडिया पे हम माओ को भी एक्टिव होना जरूरी होता है ताकि बच्चों के ऊपर ऐसे डिटेक्टिव वाले नजर दे सके और खुद भी कुछ सीख सके ताकि हम भी ऐसे सपोर्ट कर सके। अगर आपकी मम्मी को भी इतना शौक है सोशल मीडिया के बारे में जानने का मेरे जैसे, तो ये वीडियो देखो जाके। बेटा ये व्हाट्सएप पे स्टेटस कैसे डालते हैं, तू ये सिखा देगी क्या? तेरी जो सीमा मासी है ना, वो ना हर रोज स्टेटस डालती रहती है वीडियो बना के। तू भी मुझे सिखा देना, थोड़ा वीडियो डालना और ये स्टेटस भी दोनों सिखा देना प्लीज बेटा, सिखा देना। हाँ फोन दे दो, मैं सिखा देती हूँ क्या सीखना है, फोन दो। या ये एफबी पे जो लोकेशन देती है तू, उसको कैसे देते है मेरे को जरा सिखा देगी? मेरे को भी ना देना है, जब मैं घूमती रहती हूँ ना तब मैं भी डालूंगी तेरे जैसे, देना सिखा देना। हाँ आप क्या करोगी लोकेशन डाल के एफबी पे, कहाँ इतना घूमने वाली हो आप, क्या करोगी लोकेशन डाल के? छोड़ो ये सब, क्या लोकेशन डालना सीखना है बेटा? ये जो कॉल करते टाइम में फोटो आता है तेरी मम्मी का जो आया था अभी, वो कैसे लाता है? तूने मेरे को तुम दोनों का करके दिया है, ये शर्मा अंकल का भी करके दो ना। पापा फोटो लगा के क्या करोगे, कॉन्टेक्स्ट में फोटो लगाने से क्या होगा यार पापा? ताकि उनका जब कॉल आए मैं दूर से तो नहीं दिख पाता ना बिना चश्मे के, अगर उनका फोटो दिख गया मेरे को तो मैं इसका कॉल ना नहीं उठाऊंगा, ताकि वो घर पे आ जाए गप्पे सब पे लगाने के लिए इधर पे। मैं क्यों जाऊँ हर रोज उसके घर, वो भी आ जाया करे कभी, है कि नहीं बेटा? वैसे तू मानती है ना तेरा बाप कितना कमाल का दिमाग वाला है। बेटा ये ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? तेरी जो मासी है ना सीमा मासी, वो ना महीने में साड़ी चूड़ीदार ये सब ना मतलब लाती रहती है, तू भी तो लाती है ना, मेरे को सिखा देगी? मेरे ये साड़ी ना बहुत पुरानी हो गई, मेरे को भी खरीदनी है, दो ना सिखा के बेटा। ये लेके मेरा फोन ले और तुम मेरे को ना इसमें सिखा दे कि इसमें ना कैसे डालते है ये सब जो तू घर का घर में देने के लिए आते है ना, तेरे को ये कैसे डालते है, मेरे को सब कुछ सिखा देना। ले ले बेटा ले, देना देना। क्या आपको ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते है सीखना है? वैसे तो आप दुकान से साड़ी लेती थी, आजकल क्या हो गया जो ऑनलाइन शॉपिंग करना है आपको? बेटा तुझे एफबी पे प्रोफाइल डालना आता है ना, तू मेरे को सिखाएगा क्या? देना सिखा के, तेरी जो मासी है ना वो बहुत अच्छी अच्छी फोटो देती रहती है, मैं भी अपनी ना अच्छी सी फोटो खींच के लगा दूंगी, तब तेरे जो दोस्त है ना सभी बोलेगा कि इतना खूबसूरत मम्मी है तुम्हारी, देना थोड़ा सिखा के, देना बेटा। हाँ मम्मी मैं बाद में सिखा दूंगी आपको कैसे देते, अभी जाओ प्लीज मेरे को पढ़ना है, बाद में सिखा दूंगी। अच्छा बेटा तू जो अपनी ये सरी हुई शक्ल है मतलब एफबी पे त्याग विथ तेरा जो दोस्त का नाम लिखा होता है ना, उसके साथ जो करती है क्या करती है मेरे को नहीं पता, मतलब है क्या ये त्याग, क्या मतलब ये सरी हुई शक्ल है उन लोगों के सरी हुई लगती हूँ ऐसा फोटो भी डालती है एफबी पे? मम्मा त्याग मतलब जो दोस्त है मेरे उनके भी दोस्त देखेंगे, मतलब जो फोटो मैंने दिया है। अच्छा त्याग मतलब ऐसा है कि अपने साथ अपने और दोस्तों को भी मतलब ये फोटो देगा तो उसके भी दोस्त देखेंगे? अच्छा तो रुक दो, इसलिए रुकू मैंने ना तेरे फोटो ले लिया है, तेरी जो सरी हुई शक्ल है ना खाते टाइम, इसको ना मैं टैग कर दूंगी तेरे 10 दोस्तों के साथ। क्या? तभी सबको पता चलेगा कि डेजी ऐसे घर पे खाती है। विष्णु मम्मा नो नो नो। बेटा ये इंस्टाग्राम क्या होता है, तुमने मुझे नहीं सिखाया इसको, मैंने खुद से ही इसमें एक अकाउंट खोल लिया, इसमें तो लोग फोटो अपलोड कर रहे है, मैं भी अपना कर देता हूँ। पोस्ट कर दी मैंने भी। दिया इधर सुन, देख
मैंने इंस्टाग्राम पे अभी पोस्ट किया है, कितना लाइक्स आया है मेरे को देख। हाँ देखती हूँ अभी मैं आपका इंस्टाग्राम पोस्ट में कितना लाइक्स आया है, रुको आप। सिर्फ 20 लाइक आया पापा, सिर्फ 20। मेरा देखना 200 आ जाता है, 200। 20 लाइक आ गए आपको, पापा बुड्ढे हो गए हो। पापा आप क्या ये हनुमान जी का फोटो फॉरवर्ड कर रहे हो, मुझे मत भेजो, मैं कहीं पे भी फॉरवर्ड नहीं करने वाली। क्यों, हनुमान जी का फोटो है तो इसलिए फॉरवर्ड नहीं करेगी? ऐसी बात नहीं है, हमारे फैमिली ग्रुप में आया है अभी कि हनुमान जी का फोटो अगर हम 150 लोगों को अगर फॉरवर्ड कर देंगे तो कुछ अच्छा खबर आएगा, तो इसलिए मैंने तेरे को भी फॉरवर्ड कर दिया। और तू भी कर दे, अभी कर दे 200 लोगों को, तेरे कॉन्टेक्ट में तो बहुत सारे तेरे दोस्त है ना, सबको ये फॉरवर्ड कर दे। मैंने भी 200 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। ये सब फेक होता है, ये सब फॉरवर्ड मत करो, कहीं पे भी मिले इसको फॉरवर्ड मत करना। ऐसा भी होता है क्या? नहीं नहीं, हमारे फैमिली ग्रुप में ऐसा कैसे होगा, ये झूठ बात नहीं है, ये सच्ची है। तेरे को कुछ पता ही नहीं, हनुमान जी का फोटो है तो तू ये सब बहाना मार रही है। पापा आप भी कुछ भी फॉरवर्ड ना करना पड़ेगा, मत शेयर करो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, ये फ्री पड़ता है लेकिन तुम लोग करते नहीं हो। और हाँ शेयर करना, एंड इफ यू एनी काइंड ऑफ हेडेक बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट सोशल मीडिया, देन लेट मी नो, देन आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन इट बिकॉज आई वॉन्ट कॉन्टेंट। और ये जो मेरा जुगाड़ू बैकग्राउंड है ना, इसके लिए मुझे माफ़ करना, ये मैंने किसी तरह से सेटअप करवा ली। अभी मैं जाती हूँ, बाय।